हाँ जी 90.4 FM रेडियो अम्बेडकरनगर से सुमित अभी खड़ा हूँ टीकाकरण सेंटर पर जहाँ पर कोरोना के टीके लग रहे हैं और उनके साथ ही खड़ा हूँ जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मालती देवी है। मैं CSC पर BHW के पोस्ट पर पोस्ट हूँ और इस समय COVID-19 का टीका लगा रही हूँ। हाँ तो आपको किसने लगाया? जी मुझे मेरी फ्रेंड वो BHW ही मुझे भी लगाई। अच्छा दोस्त ने ही लगा दिया? दोस्त ने ही लगा दिया। तो ये जो जैसे अभी टीका लग रहा है, हाँ तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई झिझक कोई मना नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे टीका मत लगाइए। बहुत खुश होकर के सब लोग टीका लगाने आ रहे हैं। एक को लग रहा है, दूसरा प्रचार प्रसार कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जाके टीका लगवा लो। सभी लोग अपने समय से आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। अच्छा बहुत लोगों को होता है कि सुई से डर लगता है। हाँ, जब हाँ। तो फिर क्या करते हैं? कार्टून दिखाते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए, कैसे? जी करते हैं? जी मैं उनको इतने अपने स्थानीय भाषा स्थानीय लैंग्वेज में ऐसा समझा देते हैं कि वो खुद ही मान जाते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल मान जाते हैं, एकदम बेझिझक आके एकदम कहते हैं हाँ ठीक है मैडम मुझे लगा दीजिए टीका। अच्छा। मुझे अब कोई डर नहीं लग रहा है। ये टीका एक टीका लगने में कितना टाइम लगता है? बस सेकेंड लगता है। सेकेंड लगता है जी। और कोई दर्द भी होता है क्या? जी दर्द होता है हल्का फुल्का, थोड़ा सा बेचैनी भी किसी किसी को हो जाता है, थोड़े दाने भी पड़ निकल आते हैं और चक्कर भी आ सकता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ FI किट रखा गया है, डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं, उसकी देख रेख की जाती है। और ऐसा अभी हुआ नहीं है, बहुत कम रेयर हुआ है। अच्छा जैसे होते हैं कई बार होता है कि टीका लग रहा है, कुछ खाने का भी पाबंदी होती है खाने से लगाने से पहले लगाने के बाद, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना खा के आते ही हैं लोग तब लगाया जाता, उसके लगने के बाद कोई रोक नहीं है। आप चाय पीजिए, काफ़ी जो मर्जी आप लीजिए। तो ये आप लोग देते हो तो खुद लाना पड़ता है? नहीं यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, है ना, सब लोग लोकल ही हैं, अपना सब अपना मैनेजमेंट किए रहते हैं। तो वो भी आप लोग के लिए लाते हैं? जी 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 बिल्कुल लेके आते हैं, सब हमारी आशा बहने हैं, हमारे बीच के ही हैं कर्मचारी, वो लोग सब बेझिझक सब काम चलता रहता है। थैंक यू। मेरा नाम पूजा दुबे है। तो आप इनकी दोस्त हैं? हाँ दोस्त ही हैं। तो आप ही नहीं, तो नहीं लगाया इनको? नहीं मैंने नहीं लगाया। तो आपके लग गया? हाँ मेरे लग गया। कितने डोज लग गया आपके? 0.5। यही कि सब लोग आके टीके लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोनल सिंह है मेरा नाम, मैं यहाँ पे CHO की पोस्ट पे हूँ। यही है कि इंजेक्शन लगाने कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन उसके भी कुछ देर यहाँ बैठा करके हम तभी भेजते हैं उनको। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए लगने के बाद? लगने के बाद यही है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमें कुछ फीवर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम उनको कुछ देर बैठाते हैं और पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो सही हो जाता है। कोई मैसेज देना चाहिए हमारे लिसनर्स को? मैसेज यही है कि आए लगवाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोविड के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है, ये सिर्फ एक राय है, लेकिन उसके बाद भी आप मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, ये सब प्रोवाइड करवाएं और मैसेज सब फॉलो करने हैं। जी 4 मैसेज है कि COVID-19 का टीका लगाया गया है, इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे चक्कर आना, बेचैनी आना, दाने पड़ना, बुखार आ जाना, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसमें जो है हेल्पलाइन नंबर है कार्ड पर, आप उस कार्ड पर से उसका संपर्क कर लीजिए नंबर से और हॉस्पिटल चले आइए, आपका इलाज हो जाएगा। दूसरी डोज लगने के लिए आपको स्थान और दिनांक बताया जाएगा, मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पर, आप वहाँ आके फिर से दोबारा दूसरी डोज लगवाइए। तीसरा मैसेज है कि आप जो है आप अपने हाथ को बार बार साबुन से धुलते रहिए, मास्क लगाते रहिए और 2 गज की दूरी अपनाते रहिए, यही आपको करना है। इससे ये नहीं कि COVID-19 का टीका लग गया तो हम सेफ हो गए पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए अपने जीवन में। ठीक, थैंक यू। तो ये थे कोरोना वॉरियर्स, जब हम घर में थे तो ये हमारे घर के बाहर थे हमारे लिए, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए इनकी बातों का, है ना, बाकी चलता रहेगा, मिलते थोड़ी सी देर में।